भारत में एक बार फिर चीता की वापसी होने जा रही है। करीब 70 साल पहले चीता भारत से विलुप्त हो गए थे। भारत सरकार ने चीता को फिर से बसाने की पहल की है। अब चीतों के परिवार को नामीबिया से स्पेशल चार्टर विमान के जरिए भारत लाया जा रहा है। चीतों की फ्लाइट मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लैंड होगी। इससे पहले विमान को राजस्थान के जयपुर में लैंड कराने की योजना बनी थी, लेकिन लॉजिस्टिक दिक्कतों की वजह से इसे ग्वालियर में लैंड कराने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर शनिवार को नामीबिया से भारत लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ेंगे। 17 सितंबर की सुबह चीतों का प्लेन ग्वालियर में लैंड करेगा, फिर इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ले जाया जाएगा। साथ ही नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं, जिनमें 5 मादा और 3 नर चीते शामिल हैं। नामीबिया से चीतों को भारत लाने वाले विशेष विमान की तस्वीर सामने आई है, जिसमें साइबेरियन टाइगर की खूबसूरत पेंटिंग की गई है। विमान कंपनी ने इस फ्लाइट को विशेष फ्लैग नंबर 118 दिया है। कंपनी दुनिया में पहली बार चीतों को शिफ्ट करने के लिए इस फ्लाइट का संचालन कर रही है। ऐसे में यह उनके लिए एक ऐतिहासिक पल है। विमान पर बनी साइबेरियन टाइगर की पेंटिंग साल 2015 में बनाई गई थी। आपको बता दें कि यह यात्रा करीब 10 घंटे की और 8000 किलोमीटर की होने वाली है। यह चीता बोइंग 747 से यात्रा कर रहे हैं, जो कि विश्व में चीता को लाने ले जाने में माहिर है। भारत लाए जाने वाले चीतों की उम्र 2 साल से 6 साल के बीच है। इन चीतों को बुमा में क्वारंटीन होने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए रखा गया था। इसके साथ ही सभी चीतों को वैक्सीनेशन भी दिया गया है।